महाराणा उदय सिंह के 20 रानियों से संतानें तो 45 थी, लेकिन अपनी मां जयवंताबाई के कारण ही प्रताप आगे जाकर महाराणा प्रताप बने। प्रताप जन्म से ही पिता से दूर रहे और मां के ज्यादा करीब। इसकी वजह थी रानीवासों की राजनीति। इतिहास में प्रश्न उठता है कि प्रताप ही वीर शिरोमणि क्यों रहे, वे ही सिद्धांतों के प्रति अडिग क्यों हुए, उन्होंने ही जीत से ज्यादा सिद्धांतों और मूल्यों को क्यों माना। इन सवालों का जवाब है कि प्रताप को पहले दिन से ही मां जयवंताबाई ने ऐसी शिक्षा दी थी। आइए जानते हैं महाराणा की माता जयवंताबाई के बारे में। जयवंताबाई जालौर के राजा अखेराज सिंह सोनगरा की बेटी थी। उन्हें शादी से पहले जीवंत कंवर के नाम से भी जाना जाता था। वे बचपन से ही बेहद बहादुर और जाबाज थी। वे उदय सिंह की पहली पत्नी थी। 1540 में प्रताप का जन्म हुआ और महाराणा उदय सिंह का भाग्योदय होने लगा। प्रताप के जन्म के वक्त ही महाराणा ने खोए हुए चित्तौड़ को जीता। इस विजय यात्रा में जयवंताबाई भी उदय सिंह के साथ थी। चित्तौड़ विजय के बाद उदय सिंह ने मालपुरा के सोलंकी और जैसलमेर के भाटी राजघरानों में शादियां की। रानी धीरबाई भाटियानी उदय सिंह को गिरफ्त में ले लिया और जयवंताबाई के खिलाफ साजिश शुरू हो गई। जयवंताबाई बालक प्रताप को लेकर चित्तौड़ दुर्ग से नीचे बनी हवेली में रहने लगी। यहीं से शुरू हुआ माँ के संस्कारों का बीजारोपण। प्रशासनिक कुशल माँ ने प्रताप को अपने जाबाज बनाया और शूरवीरता के गुण दिए। जयवंताबाई खुद एक बेहतर घुड़सवार थी और उन्होंने बेटे को भी दुनिया को बेहतरीन अश्वरोही शूरवीर बनाया। उनके यही संस्कार हल्दीघाटी के युद्ध और उसके बाद के हालात में प्रताप को दुनिया के समस्त शासकों से अलग करते हैं। यह जयवंताबाई ही थी जिन्होंने प्रताप को शासन करने का यह संस्कार दिया कि उन्होंने हल्दीघाटी जैसे युद्ध में अपना सेनापति हकीम खान सूर को बनाकर अकबर के युद्ध कौशल की धार भौंतरी कर दी।